हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारे फड्डा हिंदी मीडियम पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है दिसंबर शिफ्ट एग्जाम के लिए जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपके अपने चैनल जारे फड्डा हिंदी मीडियम पे। पेपर वन की 10 यूनिट हमारे पास है और 10 यूनिट में से सर ऐसी कौन सी हमारी यूनिट्स होती हैं जिसमें हम लोग हमारे थोड़े से एफर्ट्स लगा के कहीं ना कहीं फुल मार्क्स जो है बिल्कुल हम लोग ले सकते हैं, तो उन्हीं यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर यस, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से कर दीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ सुबह 9 बजे पेपर वन की क्लास, जहाँ पे पेपर वन की कुछ जो यूनिट्स हैं हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसके साथ में ही आप मेरे जो है कोर्सेज में भी एनरोल करवा सकते हैं, जो कि हम दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। बात अपन कर रहे हैं कि सर पेपर वन की कौन सी यूनिट्स है जो फुल मार्क्स हमें दिलाती हैं। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट हमारी हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट हो जाती है, मैं ये मान के चलता हूँ कि सर होती है मैथमेटिकल रीजनिंग। कौन सी यूनिट सर? मैथमेटिकल रीजनिंग। अब जो एक्सपीरियंस हैं वो बोलेंगे कि सर मैथ्स तो हर किसी की थोड़ी कमजोर मतलब स्ट्रांग होती है ना, बचपन से मैथ से जो है डर लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि सर हमें इतना पढ़ना है, हम कोई SSC या बैंक वाली जो है इतनी हाई लेवल की हमें तैयारी नहीं करनी है, या हम जो है एक IIT या IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं वो वाली मैथ्स जो है हमें नहीं पढ़नी है। एटलीस्ट जो बेसिक हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम उसमें हम लोग अटेम्प्ट तो करें और सही करने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं थोड़ी एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताऊं तो आप लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का मिला हुआ है, यानी कि आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आपके जो है मैथ्स से यहाँ पे आते हैं, सर 4 भी हो सकते हैं कई कबार, 3 लेके चल रहे हैं हम लोग, और आपके 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इन 2 में से भी अगर आप देखेंगे ना, अभी यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, चाहे 18 जून का हो चाहे अभी अगस्त और सितंबर के री एग्जाम हो, वहां पे आप देखेंगे कुछ सर्टेन टॉपिक्स हमें देखने को मिले कि क्वेश्चन आया ही आया। जैसे कि मैं अगर इस मैथमेटिकल रीजनिंग की बात आप सभी को बताऊं कि सर कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा आपका टॉपिक था जो मैक्सिमम शिफ्ट में आपसे पूछा ही गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स वाले की पार्ट देखूं तो यहाँ पे प्रतिशत का बोलबाला रहा, आपका जो है एवरेज यानी कि औसत जो है आप सभी का पूछ लिया गया। इसके साथ में जो है कार्य एवं समय वाला हमारा जो टॉपिक होता है वो था आपका सर ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे, तो यानी कि बेसिक हमारी चीजें थी, हम आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट लाभ और हानि के क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये एक ऐसी यूनिट है जहां पे हमें श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कुछ फिक्स हमारे पास चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कुछ करंट से कुछ पूछ लिया गया या कुछ है, बट मेहनत अपन को करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। और देखो, मैं तो बड़ा जो है रियलिस्टिक इंसान हूँ और थोड़ा सा सही सोचने में बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे पता है कि इन टॉपिक से प्रश्न आना बिल्कुल श्योर है ना, और इस तरीके से हम लोग अप्रोच लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर मैं उसको नहीं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं जो है बाकियों से पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिसका ऑलरेडी मैथ्स स्ट्रांग है, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, जो CS के बैकग्राउंड से है, उनका तो बढ़िया अच्छा खासा मैथ्स है, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे जा ही रहा हूं मैं। सही बात है, तो आपको ये ट्राई करना है कि अभी दिसंबर में एग्जाम के लिए हम 70 से 80 दिन मान के चल रहे हैं, तो आसानी से 70 से 80 दिन में हम लोग यहाँ से जो है 5 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है जी। अभी ऐसा नहीं है कि आखिरी 10 दिन 15 दिन 1 महीना बचा है फिर मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप ये करो, नहीं, अभी समय है, हम लोग कर सकते हैं। दूसरी ही इसके साथ में बेटा हमारे पास यूनिट हो जाती है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी है, दैट इज DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर DI, फिर वापस आपने मैथ्स की चीज बता दी, अरे भाई यहाँ से तो चलो फिर भी ठीक है 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं 5 क्वेश्चन आए, पर यूजीसी नेट के एग्जाम में पेपर वन में DI के आपके 5 प्रश्न आना फिक्स्ड है। 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर जो है आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिलते हैं, तो हम क्यों उन 10 नंबर के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं? तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे मैथ्स वाले सर्वो लगा के हमें DI सॉल्व करनी है ना, हम लोग हमारी क्लासेस में भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा जचे जहां से आपको जहां से समझ में आता है आपको वहां से पढ़ना है, पर एटलीस्ट इन यूनिट्स को छोड़ के नहीं जाना है। मैं बोल रहा हूँ चलो 5 नहीं तो कम से कम हम लोग जो है 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही करके हैं। मुझे पता है कि 1 क्वेश्चन ऐसा अटकाता है DI में वो नहीं सॉल्व हो पाता है ना, पर 4 का तो हम लोग टारगेट बना सकते हैं, यानी कि 8 नंबर सीधा सीधा हम लोग इस यूनिट से ले सकते हैं। सही बात है। इसके बाद हमारे पास आता है सर कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि LR जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो आपका इंडियन लॉजिक है और एक आपका ब्रिटिश लॉजिक है।
दोनों में आपके पास फिक्स्ड है कि सर यहां से चीजें पूछी जाएंगी आपका। अगर मैं ब्रिटिश लॉजिक की बात करूं तो उसमें फैलेसीज हमारी है, फैलेसी में भी फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक है सर पूछा जाना है। आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट का तार्किक रूप से जो समतुल्य है वहां का प्रश्न आपका बन रहा है, विरोध का वर्ग हो गया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, वहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है। कंसेप्ट सीखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपका, दो नंबर आपके खाते में। तो यानी कि सर यहाँ से भी सर हमारे पास जो है 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है, आएंगे ही आएंगे और अच्छा खासा आप कर सकते हैं। इंडियन लॉजिक का तो सिलेबस ही हमारा बिल्कुल छोटा सा है, आती कम समझ में है बच्चों को, पर सही तरीके से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए तो इंडियन लॉजिक बहुत अच्छा है। वहां पे सेम एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और सेम उदाहरण से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। बात यह है क्यों ये तीनों यूनिट में ले रहा हूं, क्योंकि तीनों यूनिट कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्लस प्लस कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। तीनों यूनिट पे कंसेप्ट के साथ जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है इन 3 यूनिट्स की करनी है, तो आराम से जो है नंबर आप सभी कहीं नहीं छोड़ोगे इन यूनिट्स से। तो सर 5 5 10 15 भी अगर प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं इन 3 से, यानी कि 30 नंबर में 100 में से लेके आ रहा हूं बस इन 3 यूनिट से, ये बात है। तो आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं इन 3 यूनिट्स को पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक और यूनिट हमारे पास होती है जो कि फिक्स्ड है, जो कि हमारे पास होता है आरसी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर वापस से 5 क्वेश्चन जो कि आप लोग पैसेज जो है सॉल्व करते हैं, तो वापस 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कुछ कंसेप्ट आपको लेना है, सर फ्री का नंबर है। कैसे? देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टाइम सेव करना पड़ता है एग्जाम में। मैंने कैसे किया था, जब मुझे पता है कि सर 70 से 80 दिन जो है मेरे एग्जाम में बच रहे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, पिछले साल का प्रश्न उठाना है, उस हर पेपर वन की डेली बेसिस पे एक आरसी सॉल्व करनी है। शुरू में आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट लग जाए, है ना, आंसर को ढूंढने में, पर डेली बेसिस पे अगर आप करोगे एक आरसी और एक डीआई, और कुछ आपको कहीं और जाना ही नहीं है, अपने आप आपका जो है प्रैक्टिस बन जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। सर मैंने तो यही अप्लाई किया था, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं डीआई को बाद में लूंगा या आरसी की प्रैक्टिस जो है मैं एग्जाम के 10 दिन पहले करूंगा, तो अगर थोड़ा बहुत करते रहेंगे ना सर, मैं तो उस कहानी से बड़ा प्रभावित हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के हम लोग एक बहुत बड़ी चीज कर पाते हैं। तो बस छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, डेली एक डीआई एक आरसी आपको करना है, और इसके अलावा जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहना है, इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये आपका एफिशिएंसी प्लस आपका टाइम जो है कहीं ना कहीं मांगती है, और टाइम मैनेजमेंट आपको इन दोनों के लिए एग्जाम में करना पड़ता है। तो ये छोटी चीज है, यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स जो है हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, और बाकी की तो आपकी पेपर वन की यूनिट्स है ही, यानी कि रिसर्च हो गया, आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, पीपीडी आप सभी का हो गया, वो जो भी आपके एजुकेटर है डेफिनेटली आप सभी को वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको इन 3 यूनिट्स को तो नहीं छोड़ना चाहिए। यूट्यूब पे जो है इन 3 यूनिट्स को मैं करवा रहा हूँ, मेरी जो क्लास है सुबह 9 बजे होती है आपके अपने चैनल जारेफ अड्डा हिंदी मीडियम पे, जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप सभी मेरे कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो जारेफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी जो है या तो डाउनलोड कर सकते हैं, या जारेफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके कोर्सेज में जाके नेट जारेफ इंडी सेलेक्ट करके जो है आप सभी जारेफ अड्डा प्रीमियम बैच के जो मेंबर हैं बिल्कुल बन सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में सारे की सारी जो चीजें हैं, चाहे आपका केवल पढ़ाई नहीं करी जा रही है सर, वहां पे आपको पूरा गाइडेंस, पूरा कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल, साथ में एक पर्सनल कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी आपकी क्या तैयारी है और आप क्या सोचते हैं दिसंबर 2024 एग्जाम को लेके, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।